अयोध्या में कलश यात्रा बूढ़ी माँ का पूजा हो रहा है, क्या कहिएगा इस पे, बताइए पूरा विस्तार से क्या हो रहा है और इस पूजा में क्या मान्यता है, क्या इच्छा पूरी होती है, थोड़ा बताइएगा हमारे दर्शकों को। यह बूढ़ी माता का पूजा आज हल्का प्रखंड में सारे जगह हो रहा है, इसका क्या प्रावधान है, करने का क्या नियम है, शायद किसी को पता हो या नहीं हो, हमको तो थोड़ा सा जानकारी है। यह बूढ़ी माता दुर्गा पूजा का जो काम होता है, उस पूजा में दुर्गा का 10 रूप होता है, जिसमें एक रूप यह बूढ़ी माता के नाम से कहा जाता था। उस जमाने में बूढ़ी माता जब किसी का रोग होता था, छोटा गोटी बड़ा गोटी हैजा के रूप में, इसमें कहता था यह बूढ़ी माता है, यानी दुर्गा का दूसरा रूप है, दुर्गा का प्रकोप है जो आपके शरीर में सवार हो चुका है, उसको शांति के लिए इस गर्मी महीना में अब प्रकोप होने वाला है, उसकी प्रकोप नहीं हो उसके लिए हम लोग पहले से ही दुर्गा माँ के रूप में बूढ़ी माता का नमन करते हुए, मनन करते हुए, उसको शांति स्थापित करते हुए पूजा करते हैं, आह्वान करते हैं कि किसी प्रकार इस समाज में, इस पंचायत में रोग मुक्त हो, रोग नहीं हो, ऐसी धारणा पहले से है। हाँ बताइएगा क्या मैसेज देना चाहिए। और यह बूढ़ी माता हो रहे हो, धारणा है या तो हम सब जान रहे हैं क्या, एक भीषण जब प्रकोप आता है उस समय भगवान और देवी का याद आता है, वही यह चीज है। किसी के कहने पर कि हो सकता है गर्मी का सीजन हो, जिसमें भगवती या बूढ़ी माँ आकर के आक्रमक धारण कर सकती है, इसी रूप में हम सभी पहले से क्यों ना आह्वान कर करके, पूजा कर करके, उसका मनन कर करके और मंत्र उच्चारण करके इसका पूजा किया जाए। उस विधि से हम खुद अपने से कुटिया फील्ड पर हजारों हजारों की महिलाओं के द्वारा यह हवन करवाया गया था और कुछ शेष बच चुका है, तो सबका पंचायत में आज जो होने वाला है और हो रहा है, इसी के समक्ष जो है यहाँ भी बहुतों 100 से ज़्यादा 200 महिलाएं हैं जो सबका ग्राम का एक दो टोला में अभी होने जा रहा है। इसमें पंडित जी हैं और भगत हैं, भक्तान हैं, मनन करने के बाद बूढ़ी माता का मनन करते हैं, जो कि यहाँ का वार्ड पंचायत और समृद्धि हो सके, रोग मुक्त हो सके, आक्रामक रोग से छुटकारा पा सके, इसी शांति के लिए हम यज्ञ और हवन का बात है। यह जो आयोजन हो रहा है किसके तरफ से हो रहा है, क्या हो रहा है बताइएगा। आयोजन जो है जितने भी इस पंचायत के वार्ड के प्रतिनिधि हैं, समिति है, मुखिया है, सबके द्वारा यज्ञ सहयोग से संपन्न हो रहा है और सभी युवक गाँव के हैं, सभी सदस्य सब मिलजुल करके यही न कहना है, इसमें जो पर्व में महिलाएं शामिल होगी उसकी सारी इच्छाएं पूरी होगी, जो इच्छा सच्चे दिल से मांगेंगे, सच्चे दिल से जो इच्छा मांगेंगे उसकी इच्छा पूरी होगी। हाँ उसके लिए विधि विधान है, एक दिन पहले जो है नमक खा करके अरमान करती है, वह गंगा स्नान करती है, गंगा में अपने शरीर को पवित्र करते हैं, पवित्र करने के बाद वह पंडित जी से मंत्राचरण मंगलाचरण करते हुए और हवन यज्ञ करते हुए इसकी शांति करते हैं और भगत से बूढ़ी माता का मनन करते हुए इसका हम लोग सुख शांति प्राप्त करते हैं। अपना परिचय दीजिएगा। हम महेंद्र प्रसाद साहब मुखिया सत्याग्रह का, थोड़ा क्या है ये जो पूजा हो रहा है, आपको कुछ जानकारी है? नहीं जानकारी है, हमारे समाज में हो रहा, हम वही देखने के लिए देखने चले आए हैं। क्या है, कितनी महिलाएं इसमें शामिल है? 500 महिला है सर। 500 महिला है, श्रद्धा से पूजा किया जा रहा है। अच्छा, आने वाले पीढ़ी में हम ज्यादा संख्या में और होने वाला है। अच्छा, और होने वाला जी। हिंदू को क्या मैसेज देना चाहिएगा आप? हिंदू है कहाँ, सनातन धर्म है, सनातन धर्म है जी। हाँ हमारे भाई है और क्या। अच्छा, उनके खुशी में हमारी खुशी है। चलिए परिचय दीजिए। मुन्ना मुश्ताक रहना चाहिएगा, आज कलश यात्रा निकल रहा है। बड़े सौभाग्य की बात है आज की, हम लोग ये सप्ताह पंचायत में सप्ताह ग्रामवासी सारा मिल करके ये जो है कि नाथ बाबा पूजा स्थल पर जो बूढ़ी माता का पूजा कर रही है, बड़े सौभाग्य की बात है कि ये इस जगह पे हो रहा है और बहुत बहुत धन्यवाद देंगे हम सभी यहाँ के युवक कार्यकर्ताओं को जिन्होंने बढ़ चढ़ के इस पूजा में भाग लिया है और इसको सफल बनाने के लिए। परिचय बताइए। मेरा नाम करण कुमार हुआ। क्या
क्या है विस्तार से बताइए, बूढ़ी माँ का जो पूजा हो रहा है क्या होता है बताइए। ये पूजा जो है हर जगह मनाया और हम लोग भी मान रहे हैं माता को, बाकी जो है अनुसार से हम लोग भी चल रहे हैं। परिचय बताइए अपना। आप बताइएगा थोड़ा क्या है ये जो पूजा हो रहा है, आपको कुछ जानकारी है? नहीं जानकारी है, हमारे समाज में हो रहा, हम लोग देखने चले देखने चले आए हैं। क्या है, कितनी महिलाएं इसमें शामिल है? 500 महिला है सर। 500 महिला है, श्रद्धा से इन्हें पूजा किया जा रहा है। अच्छा, आने वाले पीढ़ी में हम ज्यादा संख्या में और होने वाला है। अच्छा, और होने वाला जी। हिंदू को क्या मैसेज देना चाहिएगा? हिंदू है क्या? सनातन धर्म है। सनातन धर्म है जी। हाँ, हमारे भाई हैं और क्या। अच्छा, उनके खुशी में हमारी खुशी है। चलिए परिचय दीजिए। मुन्ना मुश्ताक, सप्ताह पंचायत।